बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर अल्कोहल का सेकंड लेक्चर आज हम नॉमनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर वियुमा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल का नॉमनक्लेचर। अल्कोहल का नामकरण तीन पद्धतियों से किया जा सकता है। देयर आर थ्री सिस्टम फॉर नेमिंग द अल्कोहल: कॉमन सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम एंड आईयूपीएसी सिस्टम। इन कॉमन सिस्टम वी यूज़ अल्कोहल एज अ सफिक्स। अगर हम मीथेन लेते हैं तो मीथेन का रेडिकल मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल, इथेन, इथाइल अल्कोहल, इसी तरह से जो भी एल्केन पार्ट है उसके एंड में हम अल्कोहल लगा देते हैं कॉमन सिस्टम में। कार्बिनॉल सिस्टम में हम कार्बिनॉल वर्ड यूज़ करते हैं, रेडिकल के आगे हम कार्बिनॉल लगा देते हैं, जैसे CH3CH2OH। इसमें देखिए आप, ये CH2OH कार्बिनॉल है और CH3 उस पर रेडिकल है, तो ये हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल। डाईमिथाइल कार्बिनॉल, इसमें दो CH3 ग्रुप हैं इसलिए डाईमिथाइल कार्बिनॉल। टर्शरी में तीन मिथाइल ग्रुप हैं इसलिए ट्राईमिथाइल कार्बिनॉल। आईयूपीएसी सिस्टम में हम कुछ नियमों के द्वारा इसका नामकरण करते हैं। क्या रूल्स हैं ये? हम सबसे पहले वह लंबा कार्बन एटम का चेन लेते हैं जिसमें कि OH ग्रुप लगा हुआ है। हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है जिसके अंदर OH ग्रुप लगा हुआ हो। सेकंड, हमको उस कार्बन चेन की नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहां पर कि OH ग्रुप को हम मिनिमम नंबर दे सकते हैं। थर्ड, अगर OH ग्रुप किसी साइक्लिक रिंग पर लगा हुआ हो तो हम नंबरिंग OH ग्रुप से ही स्टार्ट करते हैं। अगर प्रायोरिटी में कुछ और ग्रुप पहले आते हों OH से, तब हम उनको OH ग्रुप की अपेक्षा प्रायोरिटी में नंबर पहले देंगे, तब OH ग्रुप एज ए प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी ग्रुप कहलाएगा। अगर OH ग्रुप की संख्या एक से अधिक है तो हम उसके लिए ड्राई, ट्राई आदि प्रीफिक्स काम में लेंगे। अगर हमको पूरा नाम लिखना है तो हम जो भी एल्केन जिसका कि डेरिवेटिव माना जाता है उसकी लास्ट का ई हटाकर उसकी जगह OL लगा देते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज़ कर ली है और उसको नंबरिंग दे दी है 1, 2, 3, 4। हम देख रहे हैं कि सेकंड कार्बन एटम पर OH लगा हुआ है और थर्ड कार्बन एटम पर CH3 लगा हुआ है। हम लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिससे कि OH ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलता है। अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो OH ग्रुप को थर्ड नंबर मिलेगा। हमको रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर देना है इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से इसकी नेमिंग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और इस तरह से OH ग्रुप को हमने नंबर 2 दे दिया है। थर्ड नंबर के कार्बन एटम पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो भी एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसका नंबर होगा 4 कार्बन एटम के कारण ब्यूटेन, और एंड में हम सफिक्स लगाएंगे OH के लिए ओल, तो हम इसका नाम हो जाएगा 2-ब्यूटेनॉल। और थर्ड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए हो जाएगा 3-मिथाइल-2-ब्यूटेनॉल। और लॉन्गेस्ट चेन पर कार्बन 4 हैं इसलिए हमने यूज़ किया ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन यूज़ की है 5 कार्बन एटम की। नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करें हैं जहां पर कि OH को हम मिनिमम नंबर दे सकें, तो इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन एटम के कारण पेंट, हमने ई हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया ओल। सेकेंड कार्बन एटम पर OH तो 2-पेंटेनॉल, और थर्ड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप तो इसका नाम हो जाएगा 3-मिथाइल-2-पेंटेनॉल या 3-मिथाइल-पेंटेन-2-ऑल। अब हम साइक्लिक अल्कोहल देखते हैं। साइक्लिक अल्कोहल में आप ये देखिए, पहला स्ट्रक्चर हम नंबरिंग OH से स्टार्ट करें, सेकंड पर ब्रोमीन ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और हम 6 कार्बन एटम को नंबर दे देते हैं।
तो हम लिखेंगे नाम टू ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। दूसरा एग्जांपल, तीन कार्बन एटम, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनॉल, और फर्स्ट कार्बन एटम पर ओएच ग्रुप लगा हुआ है और एक इथाइल रेडिकल हो तो ये हो जाएगा 1-ethyl साइक्लोप्रोपेनॉल। अगर अल्कोहल के अलावा कुछ और फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों, जैसे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या कोई और फंक्शनल ग्रुप, तब हम अल्कोहल की नंबरिंग करने के लिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम सफिक्स में यूज़ करेंगे और उसको एल्कीन या एल्काइन का नाम देंगे, और ओएच ग्रुप को हम यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं। तो लास्ट में हम वही लगाएंगे सफिक्स ओएल। अगर नंबरों की संख्या, डबल बॉन्ड के नंबरों की संख्या ज़्यादा हो तो हम उसको भी नंबर देंगे। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, ये हमने यहाँ पर 5 कार्बन एटम की चेन ले ली है जिसमें ओएच ग्रुप को हमने नंबर 2 दिया है और डबल बॉन्ड 4th कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। तो 5 कार्बन एटम के कारण हो गया पेंट, डबल बॉन्ड के कारण इन पेंटीन, और हम डबल बॉन्ड की पोजीशन दे देते हैं 4th कार्बन एटम पर, ओएच ग्रुप की पोजीशन है 2nd कार्बन एटम पर, और इसका नाम हो जाएगा 4-pentene-2-ol। ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप्स का। एसिड्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है और नीचे जाते जाते हैलाइड्स की प्रायोरिटी कम होती जाती है। अगर हम देखें इस वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पर ओएच ग्रुप के साथ साथ एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है और वो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ओएच से पहले आता है, तो हम उसको पहले नंबर देंगे और ओएच ग्रुप को बाद में नंबर देंगे। तो ये हो जाएगा 3-hydroxybutanoic acid, क्योंकि 4 कार्बन एटम है, पहले कार्बन एटम पर एसिडिक ग्रुप जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, तो ये हो जाएगा मेन ब्यूटेनोइक एसिड। 3rd कार्बन एटम पर ओएच ग्रुप सफिक्स प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3-hydroxybutanoic acid। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें भी ओएच ग्रुप की अपेक्षा कीटोनिक ग्रुप को हम प्रिफर्ड मानते हैं, तो ये ओएच ग्रुप इज़ अ प्रीफिक्स, तो 2-hydroxycyclohexanone। नॉमनक्लेचर ऑफ डायोल्स एंड ट्रायोल्स। डायोल्स एंड ट्रायल्स क्या होते हैं, जैसे हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब 2 ओएच ग्रुप या 3 ओएच ग्रुप कंटिन्यूस कार्बन एटम पर, एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट हों तो उसको हम डायोल्स, और 3 कार्बन एटम हों तो हम उसको ट्रायोल्स बोलते हैं। तो अब इसमें हमको नंबरिंग करनी वैसे ही है, मिनिमम नंबर देना है ओएच ग्रुप को। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देखिए, पहले कार्बन एटम पर और दूसरे कार्बन एटम पर ओएच ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन एटम के कारण प्रोपेन, और पोजीशन दे देंगे 1 और 2 डायोल। ये एक दूसरा एग्जांपल, साइक्लोपेंटेन 1-2 डायोल साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर 3 कार्बन एटम पर ओएच ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1-2-3 ट्रायोल। तो आपको अल्कोहल का नॉमनक्लेचर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। थैंक्स।